मतलब छत्तीसगढ़ की एक दिन में मिले 127 नए कोरोना पॉजिटिव, बढ़ते आंकड़ों से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। पॉजिटिव मिलने वाले सभी ज्यादातर मजदूर हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 661 हो गई है। 231 मरीज स्वस्थ होकर लौट गए हैं घर। प्रदेश में अब तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है और लगातार आंकड़ा छत्तीसगढ़ में कोरोना का बढ़ता ही जा रहा है। पॉजिटिव लगातार मिल रहे हैं मरीज और इसमें अधिकतर संख्या मजदूरों की है। 231 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। बता दें कि 27 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज एक ही दिन में मिले हैं। अधिक जानकारी के लिए सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, एक दिन में 127 मरीज, बहुत बड़ा आंकड़ा है। किस तरह का माहौल वहां पर और किस तरह की सख्तियां बढ़ती जाएगी, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, अभी प्रदेश में एक ही दिन में 127 नए कोरोना पॉजिटिव मामले जो है वो सामने आए हैं। बढ़ते आंकड़ों के साथ स्वास्थ्य विभाग की चिंता जो है वो भी बढ़ी है, क्योंकि पॉजिटिव मिलने वाले सभी ज्यादातर जो है वो मजदूर ही है और साथ ही अब राज्य में एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 661 पर पहुंच गई है। तो वहीं 231 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी किए गए हैं। आपको बताना चाहूंगी कि 127 मरीज मिलने के साथ ही कल 25 मरीज के आसपास जो है डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो जिससे लगातार जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी है वो भी अधिकतर, जैसे कि पिछले दिन की बात करें तो 40 मरीज एक साथ स्वस्थ होकर घर लौटे थे, तो वैसे ही दूसरी तरफ कल भी 25 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। और साथ ही अगर आपको बात करें छत्तीसगढ़ का हॉटस्पॉट के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली और बलौदा बाजार में कोरोना के सबसे अधिक जो मरीज है वो सामने आ रहे हैं। और साथ ही अब रायपुर में भी संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ गया है। एक हेड कॉन्स्टेबल जो है उनको कोरोना हुआ था, जिसकी वजह से पूरे थाने को जो है क्वारंटाइन कर दिया गया है। और अगर हम पहले की बात करें, अगर हम देखें तो जिस तरह से मरीज कम निकल रहे थे, ये भी कहना था कि किट कम है तो उस वजह से जांच नहीं हो पा रही है। अब जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, किस तरह से स्वास्थ्य विभाग तैयार है इससे लड़ने के लिए? बिल्कुल, प्रदेश में लगातार जो है मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग जो है इलाज के लिए नई टेक्निक लाने की जो कवायद है वो भी शुरू हो गई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि अभी कोरोना की जो जांच होती है उसमें मरीज रिपोर्ट आने में 4 से 5 दिन जो है वो लगते हैं, तो इस तरह के जो 4 से 5 दिन है वो नहीं लगेंगे। और आपको बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में ऐसी कवायद चल रही है कि अभी कोरोना से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ में अब ये प्लानिंग के तहत, नई प्लानिंग के तहत अब जिला स्तर पर RT-PCR 2 नेट मशीन, जो 3 नेट मशीन जो है वो लगाई जाएगी और इलाज भी इसी स्तर पर होगा। RT-PCR लैब कम होने की वजह से कोरोना संदिग्धों के सैंपल की जांच में 2 से 5 दिन या इससे भी अधिक दिन लग रहे हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी जिला स्तर पर इसे हरी झंडी दे दी है। और ये 2 नेट मशीन के माध्यम से जो है मेडिकल कॉलेज में जांच की जाएगी और 2 नेट मशीन जो है वो लैब को सौंपा जाएगा। इसके बाद जिला अस्पतालों में वहाँ पे मेडिकल कॉलेजों में 2 नेट मशीनों देकर सैंपल की जांच स्थानीय स्तर पर की जाएगी और इससे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मामले हैं वो जल्दी आ सकते हैं या फिर रिपोर्ट जो है वो जल्दी आ सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुप्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से खबर, कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी समेत करीब 40 लोगों का स्टाफ क्वारंटाइन किया गया है। आज सभी का होगा कोरोना टेस्ट, रिपोर्ट आने तक थाने में रहेंगे सभी। सभी के सोने और खाने की व्यवस्था थाने पर की गई है। कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव आने की खबर है। थाना प्रभारी समेत 40 लोगों का स्टाफ क्वारंटाइन किया गया है। सभी का कोरोना टेस्ट किया जाएगा, रिपोर्ट आने तक थाने में रहेंगे सभी। सभी के सोने खाने की व्यवस्था थाने पर ही की गई है। और राजधानी में